हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। आज हम बना रहे हैं बादाम कस्टर्ड, जो कि बहुत ही जल्दी बन करके रेडी होगा और बहुत सस्ता पड़ेगा, इतना महंगा भी नहीं पड़ेगा। बस ये देखिए, इसके लिए हम ले रहे हैं 500 ml दूध, लगभग आधा किलो दूध, और इसे हाई फ्लेम पे हमें गर्म कर लेना है। जैसे इसमें एक दो उबाल आ जाते हैं तो फ्लेम करना है मीडियम और इसे धीरे धीरे हमें पकने देना है। बीच बीच में हमें चम्मच से भी इसे मिक्स करते रहना है ताकि जो दूध है बर्तन के चिपके ना। बस और अब हम करते हैं कस्टर्ड की तैयारी। हमें लेना है एक बाउल, बाउल में हमें लेना है दूध, दूध हमें बिल्कुल ठंडा लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला कस्टर्ड। आप कोई सा भी फ्लेवर इसका ले सकते हैं, मैं यहाँ वनीला फ्लेवर कस्टर्ड ले रही हूँ। ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगा आपको और ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है, ओनली 42 रुपीज़ का ये आया है। इसके साथ 15 रुपीज़ का कस्टर्ड और फ्री आता है, तो आप इसे ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अब हम यहाँ दूध में 2 से 2.5 चम्मच कस्टर्ड ऐड करेंगे, आप चाहें तो 3 चम्मच भी ले सकते हैं, और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। और हाँ, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा, दूध गर्म बिल्कुल भी मत लीजिएगा, ना ही दूध गुनगुना लेना है। दूध लेना है हमें बिल्कुल ठंडा। अगर दूध गर्म हुआ हुआ है तो आप इसे ठंडा करके ही इसमें कस्टर्ड ऐड कीजिएगा, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ेंगे। अगर आपने गर्म दूध ले लिया तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे, गुठलियाँ हो जाएंगी छोटी छोटी, और फिर वो सेट नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें बिल्कुल ठंडा दूध लेना है, और ठंडे दूध में कस्टर्ड बिल्कुल आराम से, ये देखिए किस तरह से बिल्कुल घुल जाएगा आपके सामने। ये देखिए मैं बता रही हूँ कितना अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, और यहाँ देखिए दूध बिल्कुल गर्म हो चुका है, अच्छे से इसमें उबाल आ चुका है। तो अब हमें इसमें ऐड करनी है चीनी। चीनी आप अपने मीठे के अकॉर्डिंग, आप जितना मीठा लेना चाहें उस अकॉर्डिंग आप इसमें चीनी ऐड करिएगा। आप चाहें तो इसमें शुगर फ्री भी ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए मैं यहाँ पर 4 से 5 चम्मच इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ, और इसे अच्छे से हमें 1-2 मिनट के लिए चीनी को पकाना है, ताकि क्या होता है ना कि जब हम दूध में चीनी ऐड करते हैं तो दूध और थोड़ा पतला हो जाता है। तो इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से पका लीजिएगा। और बस उसके बाद में हमने इसमें ऐड करनी है इलायची पाउडर। इलायची पाउडर बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर, आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जो लोग इलायची नहीं खाते हैं तो ये बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, क्योंकि इलायची का जो फ्लेवर इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि इलायची और कस्टर्ड का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर हमने लिए है 5 से 6 हरी इलायची, इन्हें बारीक अच्छे से पीस लिया है हमने। आप चाहे तो मिक्सी में पीस लीजिएगा या इमामदस्ते में पीस लीजिएगा, और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसे भी थोड़ा सा हमें गर्म होने देना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने कस्टर्ड भिगो के रखा हुआ था, अच्छे से घोल के रखा हुआ था दूध के अंदर, वो हम इसमें ऐड करेंगे। और फ्लेम रखना है हमें बिल्कुल मीडियम। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें क्या करना है, कस्टर्ड ऐड करना है। कस्टर्ड को दूध में डालते ही हमें चम्मच से इसे मिक्स करना है, चम्मच से अच्छे से इसे मिक्स करना है। इसे जब तक मिक्स करना है हमें, तब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद में जब इसमें उबाल आ जाता है, उसके बाद में ही हमें इस चम्मच को हटाना है। हमें इसे हाई मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसे पकाना है, और उसके बाद में हम देखेंगे इसके अंदर इतना प्यारा कलर आएगा ना, बहुत ही अच्छा। हाँ, मैं आपसे एक बात और ज़रूर शेयर करूँगी कि अगर इसका आप आइसक्रीम बना रहे हैं, इसकी आइसक्रीम भी बहुत अच्छी बनती है। तो आइसक्रीम बनाने के लिए हमें क्या करना है, कस्टर्ड की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा लीजिएगा। इसमें हमने 2 से 2.5 चम्मच कस्टर्ड लिया है, उसमें आपने लेना है 4 से 5 चम्मच कस्टर्ड, और उसे फ्रिज में रख करके आप आइसक्रीम बना करके खाइए। सेम इसी तरीके से आइसक्रीम भी बन करके रेडी है, और ये देखिए इसका कितना प्यारा कलर इसमें आ रहा है, और धीरे धीरे देखिए ये गाढ़ा भी होता जा रहा है। और इसे लगातार हम मिक्स करते जा रहे हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़े। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, चम्मच से इसकी कोटिंग देख सकते हैं, ना ये पतला है और ना ही ये गाढ़ा है। बस इसी तरह से हमें यह रखना है, और अच्छे से इसे थोड़ा पका लेने के बाद में, ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे काजू बादाम। आप चाहें तो काजू और बादाम पीसकर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये पक चुका है, ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत ही स्वादिष्ट बन करके रेडी होगा। और अब हम यहाँ ऐड कर रहे हैं 2 से 3 चम्मच काजू। इसे हमने छोटा छोटा काट लिया है, जितनी भी आपको मात्रा में, अगर साबुत रखना है तो साबुत इसमें रखिएगा, और अगर आपको बिल्कुल पीस कर इसमें ऐड करना है तो आप बिल्कुल पीस कर इसमें ऐड कर दीजिएगा। और इसे थोड़ा सा हमें पकाना है, और अब उसी के बाद में हमने इसमें ऐड करने हैं बादाम। बादाम हमने 3 से 4 चम्मच लिए हैं, आप चाहें तो भीगे हुए बादाम भी इसमें ऐड कर सकते हैं।
और बादाम भी आप इसमें पीस करके ऐड कर सकते हैं। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, ये बहुत ही हेल्दी होता है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। और इसे हमने क्या करना है, 2 से 3 मिनट के लिए इन्हें भी अच्छे से पका लेना है। जितना आप पका हुआ पसंद करते हैं, बच्चे जितना अच्छा पका हुआ खाते हैं या फिर कच्चा बादाम भी अगर खा लेते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग इसे पका लीजिएगा। बिल्कुल ये रेडी है, ये पक चुका है और ये बहुत ही कम समय में बन करके रेडी होता है। आप झटपट इसे बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी इसे बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अगर आप फ्रूट्स ऐड कर देते हैं तो ये फ्रूट कस्टर्ड हो जाता है, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। ये बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत हेल्दी होता है, बच्चों को बड़ों को बहुत पसंद आएगा। और आप चाहें तो इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए या फिर आप इसे फ्रिज में रख करके सर्व कीजिए, ये बहुत टेस्टी लगेगा। और अब हम इसे एक बाउल में निकाल देते हैं, ऊपर से डालेंगे इसके अंदर कटे हुए बादाम। और ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है, बहुत ही यमी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।